कि जो ये हमारी सरकार है, ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाला सरकार नहीं, बल्कि आपके दरवाजे और आपके गांव से चलने वाला ये सरकार है। इसलिए सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हम लोगों ने निरंतर चलाया है और इसीलिए ये कार्यक्रम हमें शुरू करना पड़ा कि आज भी हमारा गांव देहात इतना दुर्गम जगहों पर है जहां का गरीब गुरुआ लोग ब्लॉक ऑफिस नहीं देखा है, बीडीओ सीओ कौन है उसको भी नहीं जानता है। इसीलिए ब्लॉक ऑफिस, जिला कार्यालय सबको हम लोग आप लोगों का दरवाजे में पहुंचाने का काम किए हैं। आज मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन देना, हमारी बच्चियों को सावित्री बाई फूले योजना देना, हमारे नौजवानों को स्वरोजगार से जोड़ना, ये सभी काम आप ब्लॉक कार्यालय में नहीं बल्कि आपके गांव देहात पंचायतों में पंडालों में होता है। सड़क हो या ना हो, नदी में पुल हो या ना हो, पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश है कि आपको फलना फलना गांव में जाना है और लोगों का समस्या सुनना है, और इसके लिए चाहे उसको बैलगाड़ी में जाना हो, चाहे वो ट्रैक्टर में जाना हो, चाहे उसको मोटरसाइकिल में जाना हो या साइकिल में जाना हो, उसको जाना तय है। आज हमारे इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हम लोगों ने इस राज्य की आधी आबादी जो हम लोगों की है, महिलाओं को लेकर हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज सरकार महिलाओं को जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से उनको हम सहायता देने का काम कर रहे हैं। आज इसी के यात्रा में हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया योजना प्रारंभ किया है। लाखों लोग, लाखों महिलाएं, लगभग 50 लाख महिलाओं को इसमें हम लोगों ने जोड़ा है। मैं यहां से महिला दीदियों से जानना चाहता हूं, जोर से आपकी आवाज सुनना चाहता हूं ताकि हमको और भी आपके लिए मजबूती से काम करने का साहस हो। मुख्यमंत्री मैया योजना आपको पसंद आया? महिलाएं आपने आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं, मैया योजना पसंद आया? चलिए बहुत बढ़िया। यहां बच्चियों को सावित्री बाई फूले पसंद आया? आप लोगों कितना लोगों को मिला, जरा हाथ खड़ा करके दिखाइए तो, सावित्री बाई फूले योजना, मैया योजना, किसको किसको मिला? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तो मैया योजना का दूसरा किस्त भी जा रहा है सबके खाता में। पहला किस्त तो पहुंच चुका, दूसरा किस्त भी पहुंच रहा है। और तो और, कुछ हमारी बच्चियां छूट गई थी, महिलाएं समूह में 18 साल की भी बच्चियों को हम लोगों ने इसमें शामिल कर लिया। अभी उनका गणना चालू है, लगभग 2-2.5 लाख और इसमें हमारी बच्चियां इसमें जुड़ेंगी। तो इसलिए आज सरकार आपके द्वार के माध्यम से इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग, इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्गों को, उनको बुढ़ापे का लाठी हम लोगों ने देने का काम किया। आज सभी बुजुर्ग को आज पेंशन मिल रहा है। आज कोई ऐसा गांव में बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है, दिया लगा करके, टॉर्च लगा करके भी ढूंढिएगा तो बिना पेंशन का कोई बुजुर्ग आपको नहीं मिलेगा। यह सरकार की उपलब्धि है।
कई सारी चीजें हैं, हमारे कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने आपको कई सारी बातें बताई। हम सिर्फ यही देखने के लिए जिला जिला पंचायत पंचायत घूम रहे हैं कि सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए आज हमारे इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां सबसे अधिक मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग बसता है, ये वो राज्य है जहां पर सदियों से इस राज्य को नोचा खसोटा और शोषण किया गया इस राज्य के ऊपर। और यही वजह है कि ये राज्य कहने का तो देश में सोने का चिड़िया इसको लोग बोलता है, लेकिन आज ये राज बूंद बूंद के लिए भी तरसता है। आज इसीलिए हम लोगों ने पहले जो कहा हमने कि हमारी गांव की सरकार है, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि आर्थिक रूप से हमारा गांव मजबूत होगा, और जब गांव मजबूत हो जाएगा तो अपने आप पूरा झारखंड मजबूत हो जाएगा। अभी बहुत जल्दी इस राज्य में चुनाव होने वाला है, 2-4 महीने में। यहां पर व्यापारियों का, पूंजीपतियों का गिद्ध नजर पड़ चुका है। कल परसों से ये लोग पूरा गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडराएंगे, गांव गांव, पंचायत पंचायत में, झारखंड का नहीं, गुजरात का, यूपी का, महाराष्ट्र का, हैदराबाद का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का लोग आपको गांव गांव में देखने को मिलेगा। और धन बल के दम पर भीड़ इकट्ठा करके जाति धर्म का सांप्रदायिक जहर आप लोगों के बीच में घोलने का काम करेगा। ध्यान रखिएगा, इन पूंजीपतियों के पास आपके आंसू पोंछने के लिए कुछ भी नहीं है। इस राज्य के गरीब बुढ़वा लोगों को, बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है, किसानों का कर्ज माफ करने का पैसा नहीं है, महिला सशक्तिकरण के लिए उनके पास पैसा नहीं है, हमारे गरीबों को आवास देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने व्यापारी मित्रों को अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों खरबों रुपया पड़ा रहता है। और इनके अरबों व्यापारी मित्र पैसा कौड़ी लेकर के भाग जाता है। अभी लगातार आप सुन रहे होंगे, अभी एक एक नेता, एक एक मंत्री, अलग अलग, कोई अगर मध्य प्रदेश से, कोई आसाम से, कोई छत्तीसगढ़ से, मुख्यमंत्री आकर के यहाँ उलूल जुलूल बक करके जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके जाते हैं, घुसपैठिए करके जाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए करके जाते हैं। मैं इनको जानना पूछना चाहता हूं कि अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठी करते हो तो अदानी का पावर प्लांट का बिजली किस देश को जाता है, ये बताने का कृपा करो झारखंड प्रदेश के लोगों को। ये लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे आपको बात करके सुनाएंगे कि आपके आपके परिवार के, आपके समाज में बिखराव कैसे पैदा हो। ये लोग आम आदमी को तो छोड़िए, ये लोग भगवान को भी नहीं बकसते हैं। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से सांप्रदायिक वातावरण खराब करने का इन लोगों ने काम किया कि देश में भगवान ने भी उनका साथ नहीं दिया और सरकार बनाने के लाले पड़ गए और उनको पैसा की सरकार बनानी पड़ गई। आज हम यहाँ के गरीबों को, बुजुर्गों का पेंशन, बुजुर्गों का लाठी बुढ़ापे का होता है वो देने का काम करते हैं, महिलाओं को मजबूत करने का काम करते हैं, नौजवानों को मजबूत करने का काम करते हैं, बच्चों बच्चियों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का काम करते हैं, तो इनका पेट में दर्द होता है और झारखंड राज्य का हक अधिकार मांगते हैं
तो षड्यंत्र के तहत हमको जेल में डाल देता है। अभी हमको जेल में डाल दिया था, ये लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा कि कोई वजह नहीं है इसको जेल में रखने का, और कोर्ट के आदेश से आज आप लोग के आशीर्वाद से आज हम फिर से आपके सामने खड़े हैं। और लगातार आप याद कीजिए, सरकार बनते ही हमारे साथ कितनी चुनौतियां आई। सरकार बना, ठीक से हम लोग सरकार बनाए भी नहीं थे कि कोरोना के चपेट में हम लोग आ गए। और आपको याद होगा कोरोना का दिन कितना डरावना, कितना भयानक था। पूरा देश लॉकडाउन, गाड़ी घोड़ा हाट बाजार सारा कुछ बंद हो गया। ऐसे स्थिति में आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके परिवारजनों को कंधे में उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम कर रहा था। और उसी समय हमारी महिला दीदियों ने गांव गांव पंचायत पंचायत खाना बना करके अपने मजदूर भाइयों को मुफ्त में खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हमने निर्णय लिया था कि इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे, मजबूत बनाएंगे। आज उसका पहला कदम है कि आज हर एक महिलाओं को मैया सम्मान योजना से हम लोगों ने जोड़ दिया है। हमको पता है आज के दिन में भी गांव में कितनी गरीबी है। छोटा छोटा काम के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए कभी कभी महाजनों से उधारी लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है। हमारा लक्ष्य है अगले 5 साल के अंदर इस राज्य के हर एक घर को हम इतना मजबूत करेंगे कि किसी से उधारी लेने की जरूरत नहीं है, और हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। आज गांव देहात की स्थिति हमसे छुपी नहीं है। आज पेंशन, सम्मान राशि, शिक्षा, आज आपके लिए तो बिजली का भी हम लोगों ने 200 यूनिट फ्री कर दिया, और गरीबों का जो बिजली का बकाया है वो भी माफ कर देने का हम लोगों ने काम कर दिया। और आज हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं शहर में आकर के, कई बच्चे सरकारी छात्रावास में रह करके पढ़ाई करते हैं। आपके पलामू जिला में ही हम लोगों का अंबेडकर छात्रावास है। आज उसको 6 तल्ला हम लोगों ने छात्रावास बनाने का स्वीकृति प्रदान कर दिया है। और आज जितना भी राज्य में छात्रावास होगा उन सभी छात्रावास में मुफ्त खाना सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगा अपने बच्चों के लिए। आज अभी चुनावी साल भी है, हमको पता चला है कि केंद्र सरकार ने अभी जिसके लिए मांग करते करते नाक रगड़ते रगड़ते हम लोग थक गए, लेकिन गरीबों का पैसा बकाया नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा केंद्र सरकार का हिस्सा है वो नहीं मिला, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों ने आबू आवास चलाया, जहां प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 8 लाख गरीबों को हम लोग चिन्हित किया था। आबू आवास के माध्यम से हम लोगों ने 20 लाख गरीबों का आवास देने का हम लोगों ने चिन्हित करना का काम किया है, और उसको चलाया। जब हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया, लोगों को आवास भी मिलने लगा, तो ये आज केंद्र से जो बकाया राशि है 4 साल के बाद भुगतान कर रहे हैं। कहां से इनको आज गरीब की याद आ गई, 4 साल मांगते मांगते रह गए, क्यों नहीं हमें प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिला। जब हम लोगों ने आबू आवास शुरू कर दिया तब ये अपना पैसा हमें वो वापस कर रहे हैं। अजीब हालत, जब मर जाए आदमी उसके बाद आप पैसा देके क्या कीजिएगा, ऐसा पैसा का क्या काम जिससे हमारा परिवार छीन ले। आम दिना लोग, जब डबल इंजन की सरकार थी, लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भाग भाग करके मर गया,
लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया और हम लोगों ने एक भी मजदूर को भूख से मरने नहीं दिया। और आज इसको लेकर ये लोग डर ऐसा मैसे हैं। आज राज्य में धीरे धीरे महिलाएं मजबूत हो रही हैं, हमारे नौजवान स्वरोजगार की तलाश में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं, राज्य की सरकार के पास आप आकर के अपने रोजगार खोज सकते हैं। पहले सरकार की तरफ से गांव देहात नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर मिलता था, आज देखिए सरकार के तरफ से ट्रैक्टर भी मिलता है, सरकार के तरफ से बेलेरो भी मिलता है, सरकार के तरफ से स्कॉर्पियो भी मिलता है, इनोवा भी मिलता है, बस भी मिलता है और आप अपना स्वरोजगार भी कमा रहे हैं। आजकल आप देखते हैं मौसम कितना खराब रहता है, समय पर बारिश होता है कभी कम होता है कभी बहुत हो जाता है, किसान परेशान रहता है और हम लोगों ने किसानों के लिए भी वैकल्पिक खेती कैसी करे इसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना लाया, पशुधन योजना लाया, दीदी बगिया योजना लाया, ताकि आप धान गेहूं मड़ुआ के अलावा आप आम का भी खेती कर सकते हैं, आप लीची का भी खेती कर सकते हैं, आप पपीता का भी खेती कर सकते हैं, तरह तरह की खेती बाड़ी का रास्ता हम लोगों ने खोल दिया है। आज के दिन में भी लोग आम खाते हैं, पपीता खाते हैं, लीची खाते हैं, अमरूद खाते हैं और लोग आज मांस मछली भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं। लेकिन आज आपको बताएं कि हमारे राज्य में मांस मछली भी दूसरे राज्य से आता है, अंडा भी दूसरे राज्य से आता है, आम लीची अमरूद ये सब भी दूसरा राज्य से आता है। तो हमारा किसान क्यों नहीं खेती करके ला सकता है, क्यों उसको बेच करके नहीं खा सकता है? निश्चित रूप से आप वैकल्पिक खेती के माध्यम से भी अपना आर्थिक आय बढ़ा सकते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ाने की चिंता अब आपको बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषकर बच्चियों के लिए गरीब गुरुआ लोग बेटी को बोझ समझता है, दसवां ग्यारहवां ठीक से पढ़ाई नहीं करती उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। अभी काम बंद कर दीजिए, अब बेटियां बोझ नहीं बल्कि बेटियां हम लोग की संपत्ति बन के घर में रहेगी, उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, अब आपको बच्चियों को पढ़ाने की चिंता नहीं है। इसके लिए भी सरकार गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके आई है, गरीब गुरुआ को तो बैंक कभी कोई पैसा और आर्थिक सहायता करता नहीं है, इसीलिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं। आप लोग गुरुजी क्रेडिट कार्ड लीजिए, बच्चा को इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, डॉक्टर बनाना है, गुरुजी क्रेडिट कार्ड बैंक में लेके जाइए, तुरंत 15 लाख रुपया आपको पढ़ाई के लिए बैंक पैसा देने के लिए तैयार होगा। तो कई ऐसी चीजें हम लोगों ने 2 लाख किसानों 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफी भी किया। आज बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से लगभग 1 करोड़ से अधिक फलदार वृक्ष भी लगाया है। आज अनगिनत नौजवानों को स्वरोजगार के लिए हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। साथ साथ में हमारे साथ काम करने वाले लोग जो आंगनबाड़ी सेविका होता है, पारा टीचर होते हैं, जल सहिया होती है, स्वास्थ्य सहिया होती है, सबके मानदेय को हम लोगों ने 100-200% बढ़ा दिया। सब नाचते घुराते आज सरकार के साथ काम कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिला करके ये लोग अपना काम कर रहे हैं। पोषण सखी जो डबल इंजन की सरकार ने पहले बहाल कर दिया और इनको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, आज उन सखी मंडलों को भी हम लोगों ने पुनर्बहाल करने का काम किया, पुलिस सहायक पुलिस को भी हम लोगों ने पूरा बहाल करने का काम किया है। ये लोग जरूरत के समय में आपके पास हाथ पसारने आते हैं, लेकिन जब इनका समय पूरा हो जाता है
तो दूध से मक्खी कैसे निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही गरीब गुरु वालों को निकाल करके ये लोग फेंक देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अभी ये गिद्धों का हुजूम आने आ रहा है, कोई पलामू में उतरेगा, कोई कोल्हान उतरेगा, कोई संथाल परगना उतरेगा, कोई छोटा नागपुर उतरेगा, देर सारा हो जाओ, और इतना लोग आएगा कि झारखंड में भी इतना लोग नहीं है, इतना लोग लेके आने वाला है इस चुनाव में ये लोग। एक तरफ पूंजीपतियों की ये जमात, दूसरा तरफ ये गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा का ये राज। अब ये लड़ाई अमीर और गरीब के बीच में होना है। ध्यान रखिएगा, पैसे देकर के चुनाव में ये लोग घुसने जा रहे हैं, पैसे से हमारा परिवार तोड़ेगा, पार्टी तोड़ेगा और समाज भी तोड़ने का काम करेगा। इन लोगों से सावधान रहिएगा। आज बहुत सारी योजनाएं यहां पर आपके शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं, कई सारी परिसंपत्तियां भी यहां वितरण होना है। आपके ही इस जिला का ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम जगह पर आज तक 30 साल 40 साल शिबू सोरेन जी के अलावा उस जगह पर कोई नहीं गया था। दूसरी बार ये शिबू सोरेन का बेटा वहां जाकर के दिखाया और वहां के गांव के लोगों को मजबूत करने का काम किया है। आज जाके देखिए बूढ़ा पहाड़ इतना खूबसूरत, वहां के गांव के लोग इतने खुशहाल हो चुके हैं कि आपको पता चलेगा कि सरकार की योजना हम सिर्फ कागज पे नहीं, लोगों के पे चेहरे पर दिखाई देता है। हर सरकार के यही सपना यही उम्मीद होता है कि सरकार जो काम करे वो गांव गांव तक पहुंचे, लोगों का चेहरा उनका मुस्कान उसका वापस हो। वर्षों से बेचारा 20 वर्ष ही डबल इंजन की सरकारों ने अलग अलग तरीके से इस राज्य को लूटा, दोनों हाथों से लूटा, और आज जब झारखंडियों की सरकार बनी है तो सरकार गिरा नहीं सकते, तो सरकार के मंत्रियों को किडनैप कर लो, उठा लो, कब्जा कर लो, तोड़ लो, डराओ, धमकाओ। सीबीआई ईडी हमारे पीछे 2 साल तक लगा दिया, जब हम उससे डरे नहीं तो जबरदस्ती झूठा केस में जेल में डाल दिया। यही गरीबों के साथ होता है। गरीब गुरुवार लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब आप लोगों का इस राज का गरीब गुरुआ महिलाओं का आशीर्वाद हमारे साथ है तो इनका कोई भी ताकत मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। नौकरी को लेकर के ये लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं। इनको पूछिए कि इन लोगों ने 5 साल डबल 5 साल क्या 19 साल तक क्या क्या इस राज में। आज जेपीएससी में नियुक्ति हम लोगों ने किया बिना किसी विवाद के। हम नीतियां बनाते हैं यहाँ के झारखंडियों के लिए तो ये लोग कोर्ट में जाकर के असंवैधानिक कर देता है, और यही चीज लोग अपने राज में लागू करता है तो संवैधानिक हो जाता है। बड़ा विचित्र बात है। लेकिन इसी बीच कई चुनौतियों के साथ भी, चाहे हमारा शिक्षक की बात हो, प्रोफेसर नियुक्ति की बात हो, कृषि पदाधिकारी की बात हो, डॉक्टर हो, पंचायत सचिव हो, लिपिक हो, जेईई हो, नर्सिंग हो, सभी लोगों का बाली हम लोगों ने किया है। लेखा पदाधिकारी जिनकी बाली हुई है 100% लेखा पदाधिकारी हमारे स्थानीय लोगों को नौकरी में हम लोगों ने शामिल किया है 100%। और तो और मोटरयान इंस्पेक्टर उसमें भी हम लोगों ने 100% के लगभग बहाली किया। जूनियर इंजीनियर में भी उसमें भी लगभग 80% हमारे स्थानीय नौजवान छात्र छात्राएं आई। और तो और हम लोगों ने सरकारी के अलावा निजी क्षेत्रों में
ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके लगभग 1,00,000 लोगों को नौकरी में हम लोगों ने विभिन्न कंपनियों में भेजा है। 1,00,000 क्या बात करेंगे ये लोग, और इतने विपरीत परिस्थिति में भी रोज बोला कि आज सरकार गिरेगी, कल सरकार गिरेगी, आज ये विधायक को चुरा लिया गया, आज ये विधायक को भगा लिया गया, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। और मजेदार बात है कि आज पूर्व के जितने मुख्यमंत्री थे सभी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, एक मुख्यमंत्री को सिर्फ हटाने के लिए। बताओ, आप तो इस देश का सारा मुख्यमंत्री एक तरफ, प्रधानमंत्री भी एक तरफ, और एक तरफ हम गरीब गुरुआ आदिवासी दलित पिछड़ा देखते हैं इस चुनाव में ताकत किसकी है। इन लोग को अब ये गुजरात से चलने वाला, महाराष्ट्र से चलने वाला इन व्यापारियों को, और ये षड्यंत्रकारी हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग को, जात पात की लड़ाई लड़ाने वाले लोगों को अब चुनावी बोरा में भर करके जहां जहां से आएंगे वहां वहां वापस भेज देना होगा। हम लोग का ये 24 जिला का ये राज, एक जिला को छोड़कर 2300 जिला अगल बगल राज्यों से जुड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लोग वोट चोरी करने वाले लोग अगल बगल राज्य से भी ढुकेंगे। इन लोगों को गांव में दिखाई दे तो इन लोगों को खदेड़ने का काम कीजिएगा, अगर दूसरा राज्य ढुकेगा तो इसलिए साथी बहुत सारी बातें हैं, आप लोग को सिर्फ हम देखने आए हैं कि यहां आप लोग काफी दूर दराज गांव देहात से आए हैं, आप लोग को भी जाना है, पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है, लोग कई जगह लोग पैदल भी जाते हैं, पहाड़ के ऊपर भी रहने वाले लोग हैं, पहाड़ के नीचे भी रहने वाले लोग हैं, बस आप लोगों से ये सुनना चाहते हैं कि सरकार आपके लिए राज के लिए अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहां आए हुए आप सभी झारखंडी भाइयों को, बोलवासी भाइयों को मेरा हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं, धन्यवाद करता हूं, फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद।